आजकल मोबाइल फोन्स के कैमरे से इतनी बढ़िया क्वालिटी की फोटोज आती हैं। मैंने अपने ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, 3-4 महीने से कोई भी फोटो मैंने अपने DSLR से खींच के नहीं डाली है, क्योंकि यार जो मोमेंट होता है ना वो मोबाइल से ही बढ़िया से कैप्चर हो पाता है। तो इस वीडियो के लेके आया हूं आपके लिए मस्त मोबाइल फोटोग्राफी वाली ट्रिक्स, जिसको यूज करके अगर आप फोटोज खींचेंगे तो आपके डेफिनेटली दोस्त विश्वास नहीं करेंगे कि आपने मोबाइल फोन से खींची। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। यार मैंने पर्सनली भी काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक्स ट्राई करी है मोबाइल फोटोग्राफी वाली, जिसमें ऐसे बूंद टपका देते हैं उसके लेंस के ऊपर या फिर ऐसे क्रीम लगाते हैं साइड साइड में, बट यार उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले और लाइक हमेशा बूंद इधर उधर टपक जाती थी और सब गीला हो जाता था। तो इस वाली ट्रिक के लिए आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। सबसे पहले तो मोबाइल और मतलब फोटो मोबाइल से खींचोगे, और सेकेंड जो चीज़ है लाइक जिससे बैकग्राउंड ब्लर होगा वो है फोटोशॉप। मजाक कर रहा था यार, आपको फोटोशॉप नहीं चाहिए, आपको चाहिए रहेगा स्नैपसीड। मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा प्रॉप है जो आपको लाइक नॉर्मली मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपके छोटे भाई बहन के ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा होगा तो उसको ऐसे चुरा के यूज़ कर सकते हो आप, रलाना मत उसको प्लीज़। पर हम सबको ऐसा DSLR वाला बैकग्राउंड ब्लर ही होता है, बट उसको खींचने के लिए लाइक मस्त क्वालिटी का लेंस भी होता है। तो मोबाइल में अगर आपके पास कोई लेंस नहीं है तो सस्ता सा एक मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास भी नहीं है तो मतलब मम्मी पापा किसी का चश्मा चुरा लो, उससे भी काम बन जाता है अगर लाइक बहुत ज़्यादा आंखें कमज़ोर हैं आपके मम्मी पापा की। तो यार जनरली ये किसी ऑब्जेक्ट की फोटो खींचने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जैसे आपको किसी फूल पत्ती की फोटो खींचनी है, आपको ऐसे अपने पिंपल की एकदम मस्त आर्टिस्टिक सी फोटो खींचनी है, या फिर ऐसे दाढ़ी के बालों की एकदम जॉ लाइन की मस्त फोटो खींचनी है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। बट अगर आपको ह्यूमन पोर्ट्रेट्स के लिए चाहिए, उसे इंटरेस्टिंग से आ जाएंगे पोर्ट्रेट्स, बट यार थोड़ी और ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में जो लाइक ज़्यादा काम आएंगे। तो अपने मोबाइल से फोटोज खींचने से पहले आप दो चीज़ मेक श्योर कर लीजिए, आपके मोबाइल के जो कैमरे का लेंस है वो साफ हो। इसके लिए लाइक ये जो नॉर्मल कपड़ा आता है ना ऐसे चश्मे वश्मे साफ करने वाला, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से कि लाइक फ़ोटो सही आ रही है कि नहीं। तो अगर आप टेक बर्नर वाले चैनल का समझ लीजिए आप सब्सक्राइब बटन की फ़ोटो खींचते हैं और वो रेड आ रही है तो सही नहीं काम कर रहा आपका कैमरा, उसको ग्रे आनी चाहिए तब बढ़िया काम करेगा, उसके बाद फोटो मस्त खींचना मजा आएगा। तो आप सबने ऐसे हाई स्पीड फोटोग्राफी वाली फोटोज़ देखी हैं जिसमें एकदम ऐसे टाइम रुक सा जाता है, पानी हवा में रुक जाता है, और वैसी फोटोज़ खींचना यार इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो आपको बस चाहिए एक लाइक बहुत ही धूप वाला एनवायरनमेंट, इतना होगी मतलब नाक से पसीना टपक रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होगी तभी अच्छी फोटोज आ पाएंगी। आपके गुब्बारा भी चाहिए रहेगा इसके लिए, और मेक श्योर करना कि इसलिए इसमें स्माइली फेस बनाओ, क्योंकि जीवन में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको पानी पिला पिला के एकदम मोटा कर देना है, फिर उसकी पुंगी बजाने से पहले कोई भी हाई स्पीड फोटोग्राफी वाली ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे फास्टबर्स्ट कैमरा या हाई स्पीड कैमरा, बड़े सारे होते हैं, मैं सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे लाइक एकदम मस्त खर्र ऐसे फोटो खींचते हैं, तो मतलब जो भी होता है ऐसे टाइम ऐसे रुक के खुल जाता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मतलब जितनी ज़्यादा लाइट होगी ना उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो क्लियर आएगी। वैसे मैंने शाम को करा था तो हल्की सी डार्क आई है फोटो। तो अब टाइम आ गया इसके स्माइली फेस को सैड फेस करने का उल्टा करके, क्योंकि अब इसका बुरा टाइम आ गया, और पिन चुबा के इसकी पुंगी बजा दो और इसके साथ साथ आप फोटो भी खींच लो। ये सारा काम लाइक एक साथ साथ करना और इससे ऐसे मस्त फोटो निकल के आएगी, आपको लगेगा कि लाइक कौन से प्रोफेशनल कैमरे से खींचा है, कोई ऐसे विश्वास भी नहीं करेगा। और इसके जैसी आप कोई और फोटोज भी खींच सकते हैं, जैसे पानी में कुछ गिराते हुए, या फिर नारियल का तेल अपने सर पर डालते हुए, या फिर मेरे को नहीं पता यार कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करो अपने साथ, मैं सारा दिमाग में ही लगाऊंगा। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद बेचारेगा फाड़ वाड़ के इसको हमने एक पानी की फोटो खींच ली है। ऐसे 4-5 गुब्बारे खरीद लें, क्योंकि मतलब 2-3 की कुर्बानी दोगे तब भी ऐसे मस्त ऐसे फोटो पानी की फोटो आएगी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार पानी की फोटो खींचने के लिए मतलब। तो अगर आप एक दिन मोमोज की एक प्लेट नहीं खरीदते हो या फिर बाहर खाना नहीं खाते हो तो आपको ये मिल सकता है, आप लाइक 100 रुपये का आता है किसी भी जिम वाली शॉप से, मैंने भी आसपास से खरीदा है, और इससे बहुत ही हाई क्वालिटी फोटोज़ आती हैं, चाहे मोबाइल से लो चाहे DSLR से। एक्चुअली होता क्या है ना, जितनी भी इसमें लाइट रेज पड़ती है ऐसे उल्टा होकर ऐसे अलग सा एक गोल सा दिखता है, तो ऐसा लगता है दुनिया मुट्ठी में कर ली है इसको ऐसे पकड़ के, और आर्टिस्टिक सी ऐसी फोटो आती है, मतलब दिखने में अलग सी फील आती है उसमें। मेरे को काफ़ी सस्ता जुगाड़ लगा ऐसे प्रोफेशनल क्वालिटी फोटोज़ खींचने के लिए मोबाइल से, बैकग्राउंड ब्लर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और अगर आपको मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब उसके पैसे नहीं बचाना चाहते, तो घर में ऐसे पेड़ पौधों में ऐसे पड़े रहते हैं ना ये आर्टिफिशियल प्लांट्स में ऐसे छोटे छोटे कंचे से, इसमें अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट सा मिल जाए ना तो इससे भी सेम काम होता है, बट इसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है और इससे जो फोटो का इफेक्ट आएगा वो थोड़ा अलग होगा, बट यार क्वालिटी वैसी ही रहती है। तो डेफिनेटली ट्राई करना है इन दोनों से फोटो खींच के, मतलब ऐसे पानी की फोटो और जो टेक्सचर्ड वाली चीज़ें होती हैं उनकी फोटो खींचना मस्त आएगी, और मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ इससे जो फोटो खींचोगे ना कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपने मोबाइल से लिया।
अगर आप लोगों ने ऐसे रात में फोटोग्राफी करी अपने मोबाइल से तो मैं आपकी एकदम भावना एकदम समझता हूँ। रात में सोचते हैं कि लाइक चांद सितारे दिखेंगे, चंद्रमा ऐसे पूरा कटा हुआ दिखेगा, बट एंड में बस ऐसे टिमटिमाते हुए एक दो स्ट्रीट लाइट दी जाती हैं और सारे मच्छर मच्छरों से भरी होती है। जिन लोगों को मच्छर नहीं पता है, एक्चुअली ये नॉइज़ का साइंटिफिक टर्म है, सीरियस। और उनको समझ नहीं आता है मोबाइल की जब एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं तो उसमें ऐसे मस्त चमकते सितारे दिखाते हैं, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में उसको कैसे लेते हैं ऐसी फोटो। तो उसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा एक ट्राईपॉड और एक मोबाइल, और ट्राईपॉड नहीं है तो ऐसे कुछ भी ऐसे पुराने डब्बे उठा लो जो आपके घर में पड़े हैं और उनको ऐसे सेटअप कर दो। इसका जो बेसिक सेटअप है वो पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, बट आपको मैनुअल मोड में अपना कैमरा सेट करना रहेगा और उसके बाद आपको जो ISO है वो सबसे कम वैल्यू पे करना रहेगा, जो 100 होता है लाइक नॉर्मली, और जो शटर स्पीड है वो मैक्सिमम वैल्यू पे करनी रहेगी जो है 30 सेकेंड। अब इसमें एक कैच है, अगर आपको एक्चुअल सितारे कैप्चर करने हैं तो आपकी लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बादल ना हो या फिर पॉल्यूशन वॉल्यूशन थोड़ा कम हो। दिल्ली में है तो यहाँ पे तो हर टाइम दिवाली रहती है, सारे ऐसे बसें वसें ऐसे अपना उड़ाती रहते हैं धुआं, तो यहाँ पे तो यार सितारे आँखों से भी देखने मुश्किल है, कैमरे से तो दूर की बात है। बट अगर आप ऐसे कोई गाँव वाले एरिया में जाते हैं या कहीं ऐसे लाइक ऐसे कोई रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे लाइट बहुत ही कम है आसपास और धुआं वुआ भी पॉल्यूशन कम है, तो आपको मस्त सितारों की फोटो देखने के लिए मिलेगी। और ये वाली मैंने मैसूर के आसपास ली थी, थोड़ी दूर। इतना तेज बोल रहा था मैं, कभी कभार मेरे को लगता है कि नॉर्मली भी इतना तेज बोलता था ऐसे गला ही खराब रहता पूरे टाइम जो रहता है वैसे। बट अगर आप दिल्ली या मुंबई से, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, तारे नहीं दिखे तो क्या हो गया, मतलब चांद देख लो या फिर बादल वादल ऐसे नीले पीले आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर ट्रैफिक में फंसे हो तो गाड़ी बाइकों की फोटो खींच लेना, उस पर भी मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है इस पर कैसे एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप लेनी होती है, तो वो देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर में। मैं हमेशा ऐसे डायरेक्शन भूल जाता हूँ, अगली बार से दोनों साइड कर देख रहा हूँ। तो यार जब भी हम ऐसे मोबाइल से फोटो खींचने की सोचते हैं ना, लाइक हमको DSLR वाला बैकग्राउंड ब्लर ऐसे लाने की कोशिश करते हैं जिसमें से बस ब्लर हो जाए बैकग्राउंड, बाकी कचरे के डब्बे दिखे ना बैकग्राउंड, बाकी सब बढ़िया फोटो आएगी। अगर आप थोड़ी मेहनत करें ना एक्चुअली शॉट को सेटअप करने में, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटोज आती हैं, और आपको विश्वास भी नहीं होगा कितने ज़्यादा इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर्स, और पर्सनली मैं भी अपने लाइक पिछले 3 महीनों में मैंने एक भी फोटो DSLR से नहीं ली है, और मैं काफ़ी ज़्यादा को देख के बताता हूँ कि ये लाइक मोबाइल से ही खींच के डालते हैं फोटोज। तो यार इस पर तो मैं एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, बट एक आपको टिप देने की कोशिश करता हूँ, अगर आप टेक्सचर डालने की कोशिश करेंगे ना बैकग्राउंड में, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी फोटोज़ देखने के लिए मिलेंगी, और अगर आप कोई नोटिस भी करेंगे ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, तो वो भी मतलब टेक्सचर को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। यार टेक्सचर का मतलब ये नहीं है कि सड़क पे लेट के फोटो खिंचाने लगो या अपने ऐसे खाल वाले किसी ने टेक्सचर के लिए, एक्चुअली टेक्सचर हर चीज़ में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर जैसे अब आपको कोई भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, ये जो वुडन प्लैंक्स है इसमें भी लाइक ये जो वुड का टेक्सचर है बहुत अच्छे से आएगा, और जैसे ये जो रुमाल है इसमें भी देखिए छोटे छोटे दाने हैं ना, इसका टेक्सचर मस्त आएगा, और जो मैट मैंने खरीदा है इससे भी अच्छा टेक्सचर आता है, और जो बैकग्राउंड में मेरी वॉल भी है उसमें भी हल्का लाइक माइन्यूट सा टेक्सचर है। तो आपको हो सकता है पता ना चलिए, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको लाइक फोटो बहुत ही ज़्यादा बेटर लगेगी अगर आप टेक्सचर के साथ खींचते हैं। तो मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।